मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को एक बार फिर जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। यह झटका राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के मसले पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को पहले की तरह 14% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अपना पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने दलील दी कि राज्य में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है। वकीलों ने यह भी दलील दी कि राज्य की कमलनाथ सरकार ने इस मामले में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से भी कोई सिफारिश या रिपोर्ट नहीं मांगी थी। बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। आपको ये भी बता दें कि सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता भी पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद से कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी को मुकर्रर की है। आपको स्मरण होगा, ये पहले दिन ही हमने कहा था, ये कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हमारे जो ओबीसी भाई हैं उनको भ्रम में डालने की कोशिश है। बगैर किसी तैयारी के आरक्षण उन्होंने जानबूझकर किया और उसके बाद खुद ही कोर्ट में उसको लगवाया भी, ताकि कोर्ट में वो चैलेंज हो और कोर्ट में वो टिक ना पाए। तो केवल और केवल एक बार फिर से उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बड़े वर्ग को भ्रम में डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास किया है, जो कोर्ट के आदेश के बाद नहीं सीख पाए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2019 को अध्यादेश जारी कर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इससे पहले यह आरक्षण 14% था, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का वादा मध्य प्रदेश की जनता से किया था। इसी वजह से मध्य प्रदेश की सत्ता पर 15 साल बाद काबिज होने के 8 महीने के भीतर जनता से किया वादा कमलनाथ ने पूरा किया। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।